दोस्तों, ये आपके आगे आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट है और इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम 30 सवाल डिस्कस करेंगे, जिनमें से 10 सवाल आपके करंट अफेयर के रहेंगे, जो कि सारे के सारे सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। सिर्फ वही सवाल मैंने लिया है जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके रेलवे के एग्जाम में ही बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और यही सवाल ही आपके शिफ्ट में भी रिपीट हो सकता है। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसने दिल्ली रियॉट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी ये जो नामक पुस्तक लिखा है, किसने लिखा है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर दोस्तों आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। दोस्तों, इसका सी आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, यानी इन तीनों ने लिखा है दिल्ली रियॉट्स पुस्तक, मोनिका अरोरा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मालहोत्रा, नाम को याद रखिए ये। दोस्तों, अगला सवाल है, SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में किसे SBI म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों विनय तोनसे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक महाद्वीप को पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है, उस महाद्वीप का नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर होगा दोस्तों भानु प्रकाश जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भानु प्रकाश। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों भाटेक वाबक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, इस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगला सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुजरात। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, किसने क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक लिखा है? किसने लिखा है क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक, अभी हाल ही में ये पब्लिश हुआ है? सही आंसर होगा दोस्तों वासुदेव जगन्नाथ जी ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस टेस्ट का PDF और साथ साथ बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक के क्विज, MCQ सब कुछ मिल जाएगा, उसका PDF भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। GK क्रेज को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाइए डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, अब चलिए 2018 और 19 में जो रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए सवाल में से कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किया है? एंड दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर सर्व्ड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, और बाकी सारे के सारे किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है। दोस्तों, अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? द ताजमहल इज बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? सही आंसर होगा दोस्तों यमुना नदी के किनारे ये बना है ताजमहल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण है, मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु कब रखा गया? सही आंसर इसका क्या होगा बताइए पहले। व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रिनेम आज तमिलनाडु? सही आंसर होगा दोस्तों 1969 में। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है, इसलिए याद रखिए इसको। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, केरल राज्य को किसके नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों ये भारत का मसालों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है केरला। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था? दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत के बाहर भारतीय तिरंगे को फहराने वाली पहली महिला कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है, भिकाजी कामा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की में दिया हुआ है। ओके,
दोस्तों अगला सवाल है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित हुई थी? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया एस्टेब्लिश? सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूरत में। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में जगह नहीं मिलती है? यानी दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सही आंसर होगा दोस्तों एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सबके लिए शिक्षा। दोस्तों अगला सवाल है, किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और इसका सही आंसर होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों अगला सवाल केमिस्ट्री से है, सोडा वाटर का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बोनिक एसिड। ओके, सोडा वाटर को कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग ह्यूमन आई? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की मात्रा को मानव आंख में प्रवेश करते हुए नियंत्रित करता है? सही आंसर होगा दोस्तों आयरिस, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, थॉमस कप, ये आखिरी सवाल है आज का, थॉमस कप इनमें से किस खेल से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, चलिए बताइए संतोष ट्रॉफी, याद रखिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ साथ स्टैटिक जीके का भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम सेक्शन में आप सिर्फ 10-15 रुपया में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, 20,000-30,000 एमसीक्यू को एक साथ। तो तुरंत जाइए डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे 90% स्टडी मटेरियल पूरा आपको फ्री मिलेगा, इसलिए सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में आपको फुल कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, आप बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सकते हैं, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्ले स्टोर में भी डायरेक्ट जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अभी प्रैक्टिस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं।